चार मील पर वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहां जाने के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता। हार नाने के चक्कर में मैंने कितने ही मरते हैं। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये तो गुनिया है, ये हमारा है। तो खाते जब तक लाए एक बात सहने अपनी रानी की याद में बनाया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है। यार शानदार जबरदस्त कहता हम पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है, वो भीतर का काम है। जब तक ये टूटेगा नहीं तो अपना अखबार काहे छाप देते। अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? बाहर थोड़े से भी मुश्किल है काम। तुम ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, प्रेम पर बहुत बल है बाबा। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। The NFDC executive producer, Mr. Vikramjeet. Thank you, sir. Like I said, this film is co-produced by Viacom 18 Motion Pictures, Maya Movies, and NFDC. And I would also like to call upon stage that marvelous actress who we've seen so much of in the last 1 or 2 years. Where were you hiding before this? I'm so happy to have actually seen you, met you. Radhika Apte, big round of applause, ladies and gentlemen. Once again, one of the finest that we have around. और एक ऐसे आदमी जिसके बारे में मेरे तो शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, मैं इनको करीबन 8-9 साल से जानता हूँ। And really, Nawaz, आपकी कोई सीमा नहीं as an actor. You are just boundless with talent. Please do come on stage. अब क्योंकि मैंने इनसे बातचीत कर ली, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं और मुझे एक आध माइक दे दीजिए। थैंक यू। कम शब्द बोलने वाले नवाज आपसे पूछेंगे, इतना मुश्किल लग रहा है ये परफॉर्मेंस, और मैं जानता हूं कि अगर केतन सर ने बोला हो आपको नहीं खाना, आपने शायद 2-3 दिन तक खाया भी नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो ये जो फिल्म एक बारी बन गई, मैं जानता हूं हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फ्यू मंथ्स अगो, आपने बोला था आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। तो ये जब आया आपके पास में, एक तो आप मुश्किल फिल्म पकड़ना पसंद करते हैं जो फिजिकली बड़ा ग्रूलिंग होता है, मेंटली एग्जॉस्टिंग एज वेल, लेकिन जब कंप्लीट हुई कैसा फीलिंग था सर आपके लिए? एग्जैक्टली ये बहुत सही क्वेश्चन किया है। जब ये कंप्लीट हुई तो आई थिंक मुझे 1.5 महीना लग गया था इसको निकलने में अपने आप से, और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर कि मैं कैसे निकलूँ। और आई थिंक बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि मैं बैंड्रा भी 1-2 बार गया जी। ये भी मतलब झूल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेक्टेशंस जी। तो बहुत कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जैसलमेर अकेला चले गया, कोई 8-10 दिन के लिए गायब हो गया, और फिर बहुत ही नॉर्मल जहां मुझे जन नहीं जानते, तो ऐसी जगह में रियलिटी चेक करने के लिए अपने आप को कि मैं नॉर्मल सा इंसान हूं, तो ऐसा खुद को फील कराने के लिए बहुत जगह गया। और नियर अबाउट मुझे कोई 1.5 महीना लग गया था इसे निकलने में, जो अभी तक आई थिंक किसी रोल के साथ नहीं हुआ मेरे साथ।
I think वो दिखता है, you know, kudos to you for doing this performance. And Radhika, you know, I know आप script को बहुत बारीकी से देखते हैं, you see the performances also. And this trio that is sitting here, you know, with Ketan Mehta at the helm, I think this is a perfect script for you as well. Even when you saw it, and also just the script and the story that was trying to be told, I think was fantastic. So how did you come on board with this? Actually, I auditioned for it, and the first meeting with Ketan sir was, trust me, as inspiring as when you saw this and when you got to know this story. Because I remember just the smile on his face. I was like, oh my god, I have to get this part. So yeah, I think you know, I think it's so inspiring yet again to be a part of a film that is telling a story of such a incredible, inspiring human being. I think we all have this incredible strength in us, which is dormant, and I think something needs to trigger it, and you know, we witness that come out, and I think this is it. So I think it brings out a lot of emotion that you'd want to see. The gentleman on the extreme right, Mr. Vikramjeet, when you came on board with this project, one looks at the scale of project, and I don't mean by mounting, by saying it's a 7,000 crore film, but what I mean to say is what they're trying to achieve with the message, you know.